सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम है आपके अपने चैनल ZX से वारी पर। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि आज आने वाले जो बंडल्स हैं हमारे गेम में वो कौन कौन से हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आने वाले जो फ्री फायर के एलाइट पासेस हैं उसमें कौन कौन से बंडल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे जो बंडल्स हैं या तो वो किसी इवेंट में आएंगे, डायमंड रॉयल में आ सकते हैं, या नहीं तो जो नया नया कोलैब होता है हमारी फ्री फायर का उनमें से किसी एक का हो सकता है। सो गाइस, जो सबसे पहला बंडल है वो आ रहा है हमारे सामने, ये वाला बंडल जिसमें कि आप देख सकते हैं कि शेर टाइप का कुछ मुँह है या कुछ मास्क टाइप का लगा हुआ है और मेल और फीमेल दोनों का ही बंडल है। वैसे तो गाइस इसका आप देखा जाए तो टॉप और जो मास्क है ये दोनों ही बहुत ओपी लग रहा है। तो गाइस आप लोग बताइए आपको ये वाला बंडल कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि ये वाला बंडल कौन सी इवेंट में आ सकता है। सो गाइस, इसी प्रकार के और भी बंडल्स मैं आपको बताता रहूंगा। सो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। सो जो दूसरा बंडल आ रहा है वो है हमारा ये वाला बंडल। वैसे तो गाइस इसकी सबसे ज़्यादा चांसेस जो आ रही है वो है डायमंड रॉयल में, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल बहुत ही जल्दी आने वाला है। गाइस सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो डायमंड रॉयल की ही है। तो आप बताइए इन दोनों में से मेल और फीमेल का बंडल में से आपको कौन सा बंडल बेस्ट लगता है। वैसे जो मेल का बंडल है वो डायमंड रॉयल का में अगर आता है तो उसके तुरंत बाद ही फीमेल का भी आ सकता है। सो गाइस आप लोग बताइए कि आपको इन दोनों बंडल में से कौन सा वाला बेस्ट लगा है। सो गाइस, इसी प्रकार का एक और बंडल जो हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है ये वाला बंडल। वैसे तो गाइस ये वाला बंडल बहुत ही ओपी है और मुझे नहीं लगता है कि ये हमको डायमंड रॉयल में या कोई छोटे मोटे इवेंट में देंगे। वैसे तो मुझे 99% चांसेस ये लगता है कि ये वाला बंडल जो है कोई किसी बड़े कोलैबोरेशन के बाद दिया जाएगा या किसी बड़े इवेंट में दिया जाएगा, क्योंकि इसके जो हेयर्स हैं वो अभी तक के सबसे यूनिक हेयर माने गए हैं। वैसे गाइस एक चीज़ और बता दूं कि ये जो फीमेल वाला बंडल है इसमें भी हेयर जो हैं वो बिल्कुल यूनिक हेयर्स हैं, क्योंकि ऐसा फीमेल के हेयर्स अभी तक इसके पहले फ्री फायर में नहीं आए हैं। तो गाइस आपके हिसाब से ये दोनों बंडल कैसे हैं आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ गाइस मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। गाइस देखते हैं जो दूसरा बंडल जो हमारे इवेंट में निकल के आ रहा है वो है ये वाला बंडल, जिसमें कि आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि इसकी आइस से फ्लेम निकल रहा है। और गाइस ये दोनों बंडल मैं आपको बता दूं, एक बंडल होगा फ्लेमिंग बंडल, वहीं दूसरा बंडल जो होगा वो वाटर बंडल होगा, मतलब एक बंडल में से आगे निकलेगा तो दूसरे में से पानी। तो गाइस बहुत ही ओपी ओपी बंडल जो है हमारे अपडेट के बाद आपके गेम में देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो ये वाला एक जो बंडल है ये भी हमारा एक फेडेड व्हील की इवेंट में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो टैटू है गाइस, इसी प्रकार के एक टैटू जो है हमारे गाल में भी अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ गाइस आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये वाला बंडल 80-90% चांसेस हैं कि हमको टॉप अप इवेंट में भी देखने मिल सकता है लड़की वाला, वहीं जो लड़के वाला है वो फेडेड व्हील में देखने के लिए मिल सकते हैं। सो गाइस आपके हिसाब से ये वाला बंडल कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वाला बंडल पसंद आता है तो गाइस प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला बंडल कैसा लगा। वहीं गाइस ये भी ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको एक बंडल निकालना होता है तो आप इसमें मैक्सिमम कितने डायमंड्स लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर गाइस बात करें अभी तक हमारे सबसे कूलेस्ट इमोट के बारे में, सो गाइस ये वाला इमोट जो आप देख सकते हैं बहुत ही कूलेस्ट इमोट्स आने वाले हैं, जिनमें कि आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं बहुत कुछ एनिमेशन दिया हुआ है। सो गाइस अब हमारे बहुत सारे एनिमेटेड इमोट्स आ चुके हैं और हमारे नए अपडेट्स के बाद इतने प्यारे प्यारे इमोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को। सो गाइस आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए और डायमंड्स को ज़रूर बचा के चलिएगा ताकि आपको ये सभी इमोट्स और रेयर वाले जो इमोट्स हैं और इतने एनिमेटेड इमोट्स हैं आप बहुत ईजिली उनको निकाल पाएँ। सो गाइस आगे बढ़ते हैं हम कुछ नए अपडेट्स की तरफ। तो गाइस एक और जो बंडल आप देख सकते हैं ये है फीमेल का एक बंडल, जिसमें कि आपको देख सकते हैं ये वैलेंटाइन डे का बंडल हो सकता है। और इसके सबसे ज़्यादा जो चांसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं गाइस इस वैलेंटाइन डे के वीक में आने में। सो गाइस आप लोग बताइए दोनों बंडल आपको कैसे लगे
उसी साइड अगर आप देखें कि वैलेंटाइंस वीक में जो आपका मेल बंडल है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं इसके सीने में एक बहुत ही बढ़िया हार्ट लगा हुआ है और गाइस इसका अपर भी बहुत ही कूल लग रहा है। सो गाइस ये भी आपको फेडेड व्हील में वो भी वैलेंटाइंस वीक में देखने के लिए मिल सकता है। गाइस एक और जो नया बंडल सामने निकल के आ रहा है वो है ये वाला बंडल। सो गाइस इसकी भी अगर आप बात कर लें तो अभी तक हमारे गेम में इसके पहले एक और स्केलेटन मास्क आया था जो कि बहुत ही पहले चलता था। सो गाइस ये वाला भी स्केलेटन मास्क वाला भी बहुत ही ओपी हो सकता है। सो गाइस आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सा वाला बंडल बेस्ट लगा और इनमें से आप कौन सा बंडल निकालना चाहते हैं। तो गाइस वीडियो अब हम यहां पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए। बाय बाय।